हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आज देखिएगा, मैं बुक स्टोर पर आया हूँ। आपने बोला था कि सर यूपी पुलिस के लिए जो जो एग्ज़ाम्स में जो अच्छी बुक हैं वो आप हमें बता दीजिएगा। तो मैं आया था अपनी बुक्स खरीदने के लिए, तो मैंने देखा यहाँ पर आपके लिए कुछ स्पेशल बुक्स के नाम बता देता हूँ जो आपके लिए हो सकता है एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर रहेंगी, जिनको मैंने स्पेशली पढ़ लिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप उनको देख लीजिएगा और उनमें से मैं बताऊँगा कि आपके पास ये प्रेजेंट में होना चाहिए। बाकी समय रहते उसके बाद 1 महीने के बाद आपके पास कौन सी बुक का होना ज़रूरी है और उसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बता दूँगा। तो देखिएगा, चलो मैं ये दिखा देता हूँ आपको। होंगे यहाँ पर देखिएगा, हर तरह की बुक रखी हुई है ना। अब इनमें से आपको यूज़ कैसे करना है और इनको पढ़ना कैसे, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस सेट ले लेना है अरविंद का, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, अरविंद का प्रैक्टिस सेट आपको ले लेना है। पहले ये अरविंद का प्रैक्टिस सेट आपको डेली एक लगाना है, ठीक है, शाम को या सुबह एक लगाना ही लगाना है, मतलब, ठीक है। ये बहुत बेस्ट है, मेरा सबसे मतलब फेवरेट है ये। उसके बाद आपको अरिहंत का ये प्रैक्टिस सेट आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इसके साथ में ये रख लेना है ना। इसमें 25 है, पहले ये ख़त्म करना उसके बाद इसे ख़त्म करना। ये प्रैक्टिस के लिए अभी रिसेंटली हो जाएंगे ऑफलाइन मोड। इसके बाद आप अपने मैथ में आपके पास ये शारदा का SD यादव होना चाहिए। देखिए SD यादव है ना, SD यादव का ये जो मैथ्स का बुक है ये आपके पास होना चाहिए। मैंने ऐसे क्यों बोला देखिएगा, मैं थोड़ा इसकी खासियत आपको बता देता हूँ। मैंने क्यों बोला ये आप देखिए, इसमें होता क्या है कि जो आपके चैप्टर हैं है ना, चैप्टर में टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे देखिए, गुणा भाग जोड़ घटा पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो यहाँ पर दे रखे होंगे, इज दैट क्लियर। वैसे ही यहाँ पर अनुपात में है, तो जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मतलब एक टाइप वाइज आपको एक ही जगह पर वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे अनुपात वाले यहाँ मिल जाएंगे और क्रय विक्रय वाले यहाँ मिल जाएंगे, तो ये बेस्ट है इसके लिए। आपके पास अगर SD यादव या RS अग्रवाल है, ओके, बट इसमें ये होता है कि आपको एक ही जिस तरह से सवाल पूछे जाएंगे तो आपको टाइप वाइज एक ही जगह मिल जाएगा, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास लूसेंट का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ये आपका डिस्क्रिप्टिव है ना। हमने इसको पढ़ा ऐसे था कि जैसे ये हमने इतना पढ़ लिया, इसके बाद इसको हमने अंडरलाइन किया और अंडरलाइन करने के बाद में ये समझ में आया। इसके बाद में ये यूथ कंपटीशन का, इन दोनों के लगाने के बाद में ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिएगा, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी इसका रहेगा। इसके बाद में लूसेंट का आपके पास हिंदी होना चाहिए, और हिंदी के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए, और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ में ये सब आपके पास रोज़ाना एक एक दो दो चैप्टर इसमें से निकालना है, ठीक है। इसमें देखो पीछे जो है कुछ क्वेश्चन पेपर भी जो है वो दिए होते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर भी हैं, तो इनको आप सॉल्व करिएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये UGC नेट में आया था हमारे पेपर में नहीं आएगा, BEd में आया था हमारे में नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस के लिए बहुत बेस्ट है, हमने इनको सबको लगाया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा लूसेंट का आपके पास। इसके बाद रीजनिंग के लिए लूसेंट इज एकदम मस्त है। अब इसमें होगा क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने एक आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे अभ्यास 4 में ये इतने सारे क्वेश्चन हैं ना, इनमें से सभी को आपको सॉल्व नहीं करना है, इनमें से आप 10 या 15 जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इस पूरी को तो नहीं कर पाएंगे ना इतने कम समय के अंदर। अब इसे आप देखिए, जैसे ये है डायरेक्शन वाला अभ्यास, फर्स्ट में सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। इसके बाद इसका अभ्यास सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, बताता हूँ मैं आपको, है ना, बताता हूँ, एक सेकंड हो जाइए कि ये अभ्यास सेकंड स्टार्ट हो गया। तो आपको हर अभ्यास में से आपको एक या मतलब कम से कम 5 या 10 सवाल करने हैं। सभी को आपको नहीं करना, बहुत बेसिक है, सभी को नहीं करना आपको, ठीक है, इस तरह से ये आपके पास होना जरूरी है। और हर चैप्टर में से आपको 10-10 5-5 सवाल आपको करना है, इसका एक तरीका है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है लूसेंट में, ये आपके पास होना चाहिए, और इसमें से ये करना है कि जब भी आप डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि मैंने आपको ये बताया, इसे पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं तो आप उनको एक बार देख लीजिए, ठीक है। जैसे अनुसूचियों का है तो उनका पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा समय लगेगा इसमें पढ़ने में, ये आपका बेस्ट है, ये मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट के सेट हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उनके बारे में तो क्योंकि मैंने इन सबको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, पढ़ा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पर, पहले आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में कुछ टारगेट पेपर्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सबसे सस्ते होते हैं, मात्र 3500 रुपये का है टारगेट पेपर। इसी तरह से देखो ज्ञान गुरु का भी है, ये भी 30-35 रुपये का ही होगा। देखो ये भी 35 रुपये का है। तो इनमें क्या होता है कि ये बहुत सस्ते होते हैं और क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस के लिए, तो पूरा पेपर इसमें होगा, जैसे सामान्य ज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, इस तरह के आपके पास होने का मतलब है कि कम रुपए के अंदर बहुत कुछ आपके पास होगा, है ना। ये देखो पूरा पेपर यहाँ पर दे रखा है और फुल देखो 150 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, और ये आपका आंसर की है और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है। तो ये आपके पास होना चाहिए, ये बहुत सस्ता होता है और आराम से प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलती है। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके पास एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप देखेंगे ये जो है ये हिंदी का है, ये स्पेशल हिंदी का है, तो स्पेशल हिंदी का भी आपके पास एक होना चाहिए। इसमें क्या है, आप हर चैप्टर का जो है आपको प्रैक्टिस देखने को मिलेगा, सर्वनाम का, संज्ञा का, विशेषण का, तो एक पर्टिकुलर एक होना चाहिए। तो ये आप ले लीजिएगा, बहुत सस्ते होते हैं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो बेस्ट रहेंगे।